भारत देश अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इस उपलक्ष में सोलन में स्वच्छता सप्ताह मनाया जाएगा। इसको लेकर आज उपायुक्त सोलन कृतिका कुधारी ने उपमंडल स्तर की बैठक का आयोजन किया। बैठक में SDM सोलन अजय यादव विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस बैठक में नगर निगम पंचायत प्रतिनिधियों समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों को सफाई अभियान में अपनी भूमिका कैसे निभानी है यह जानकारी दी गई। सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी क्या होगी यह भी सुनिश्चित किया गया। यह अभियान केवल नाम के लिए नहीं होगा बल्कि जो काम किया जाएगा उसकी रिपोर्ट प्रत्येक दिन जिला प्रशासन को उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। यह वजह है कि इस अभियान को स्वयं उपायुक्त सोलन लीड कर रही हैं। अधिक जानकारी देते हुए SDM सोलन अजय यादव ने बताया कि स्वच्छ हिमाचल स्वास्थ्य हिमाचल सप्ताह 9 तारीख से आरंभ किया जाएगा। इस अभियान का नाम अमृत महोत्सव रखा गया है। इस अभियान का समापन स्वतंत्रता दिवस पर किया जाएगा। इसके तहत सोलन के विभिन्न क्षेत्रों में पंचायत और नगर निगम प्रतिनिधियों अधिकारियों के साथ मिलकर सफाई की जाएगी। इस अभियान में सोलन की विभिन्न NGO भी भाग लेंगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के साथ साथ दो और अभियान भी चल रहे हैं जिसमें कैच द रेन और वन महोत्सव शामिल है। उन्होंने कहा सोलन जिला को स्वच्छ बनाना और यहां के नागरिकों को स्वास्थ्य रखना इस अभियान का लक्ष्य है जिसे सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन जी तोड़ मेहनत कर रहा है लेकिन यह अभियान जिला वासियों के सहयोग से ही पूर्ण किया जा सकता है। सुबह दो बैठकें हुई और इनका जो मुख्य उद्देश्य था जो हमारा एक अभियान अगले सप्ताह से शुरू होने वाला है स्वच्छता अभियान जिसका मुख्य विषय है स्वच्छ हिमाचल स्वस्थ हिमाचल ये 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में चलेगा। तो इस वर्ष हम अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं और इस 75 वर्ष के उपलक्ष में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अमृत महोत्सव के अंतर्गत अगले सप्ताह ये हमारा स्वच्छता अभियान चलेगा जिसमें सभी विभागों को जोड़ के ये स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। स्वच्छता अभियान पहले भी चलते रहे लेकिन इस बार का जो ये अभियान है ये बड़ा ही स्पेसिफिक है। पॉइंट टू पॉइंट इसमें डिटेल दिया गया है कि अगले आने वाले एक सप्ताह में क्या करना है क्या नहीं करना है और इसमें जो मुख्य दो विभाग हैं एक हमारे अर्बन डेवलपमेंट और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन तो है ही हैं साथ ही साथ इस अभियान में बाकी सभी लाइन डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी फिक्स की गई है और अगले आने वाले जो 7 दिन रहेंगे 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त हर एक दिन की एक्टिविटी निर्धारित की गई है और हर एक दिन की जो रिपोर्ट है हमें शिमला भी भेजनी है और इसको लेके 5 अगस्त को उपायुक्त महोदया ने एक जिला स्तरीय बैठक की थी और उसकी आज उपमंडल स्तर पर बैठक थी जिसमें विभिन्न विभागों से लोग आए हुए थे पंचायती राज से लोग आए हुए थे और MC सोलन के भी लोग थे। तो इसमें क्या क्या एक्टिविटी क्या क्या कार्य हमें करने हैं वो निर्धारित किए गए थे। इस अभियान का जो मुख्य विशेषता ये है कि इसमें आउटकम बेस्ड आपको एक्टिविटी करनी कि अगर आप जो भी कार्य इसमें कर रहे हैं उसका एक रिजल्ट आना चाहिए। तो इसमें ये भी कहा गया था कि अगर आप NGOs वगैरह की मदद ले पाएँ तो कुछ NGOs भी आगे बढ़ के सामने आए हैं। तो इस अभियान की शुरुआत हम 9 अगस्त को करेंगे। 9 अगस्त को सुबह से शुरुआत की जाएगी इसकी। दूसरा जो बैठक था उसमें माननीय उपायुक्त महोदया के निर्देशानुसार उन्होंने सोलन विकास खंड के सभी पंचायत प्रतिनिधियों से इंटरेक्ट किया उनके साथ संवाद किया। ये उपायुक्त महोदया के निर्देश थे कि जो भी उपमंडल स्तर पर बैठक होगी उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे और खुद डायरेक्ट ही जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। तो इसमें स्वच्छता अभियान के साथ साथ जो हमारे दो और कैंपेन चल रहे हैं एक कैच द रेन में हमें हमारा जो मेन उद्देश्य है कि जो बारिश का पानी है उसको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं ताकि बारिश का पानी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। साथ ही साथ जो वन महोत्सव का अभियान हमारा जुलाई माह से स्टार्ट हुआ था उसको भी आगे बढ़ाने को लेके इन तीन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई। या तो रखे साया अभिमान पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है।
भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।